देश की सबसे बड़ी पंचायत कही जाने वाले लोकसभा चुनाव जो हैं अभी अभी संपन्न हुए हैं और इसमें नुमाइंदगी करने के लिए लगातार जनप्रतिनिधि जो हैं वो चुन लिए गए हैं और कल की तारीख जो है वो ऐतिहासिक होने वाली है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक ख़ास शख्स मौजूद हैं जो कि मध्य प्रदेश की संस्कारधानी कहे जाने वाले जबलपुर से नुमाइंदगी करने वाले हैं देश की सबसे बड़ी पंचायत में। आशीष दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत करते हैं। आशीष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहली बार जीत दर्ज की आपने, पहली बार नए नए चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की, कैसा लग रहा? निश्चित रूप से एक आत्मसंतोष होता है। और रही बात जीत की, भारतीय जनता पार्टी में आप ये मान के चलिए कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ता है। मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में लगातार वर्षों से काम करता रहा हूँ, तो कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, कार्यकर्ता ने ही ये चुनाव जिताया है। और जबलपुर की जनता ने, वहाँ के मतदाताओं ने जो आशीर्वाद और जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर जताया है, मैं जबलपुर के मतदाताओं को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये जीत समर्पित करता हूँ। लेकिन नया कैंडिडेट उतार देना अचानक से, जबलपुर में एक रिकॉर्ड पहले से बनता रहा, छठी जीत है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और आपने भी बहुत बड़ी जीत दर्ज की। डॉक्टर राकेश सिंह साहब पहले थे, नुमाइंदगी कर रहे थे, और नया कैंडिडेट उतार देना, संगठन ने कैसे, क्योंकि आप संगठन में थे और संगठन से अब सीधे जनप्रतिनिधि। हमारे यहाँ की परंपरा यही है कि पहले कार्यकर्ता को संगठन में उसको तैयार किया जाता है और उसके बाद कार्यकर्ता की कहाँ भूमिका होनी चाहिए, सत्ता में होनी चाहिए, संगठन में होनी चाहिए, ये हमारा पार्टी नेतृत्व तय करता है। उसको जब जिस कार्यकर्ता की आवश्यकता, अगर संगठन में है तो उससे उसको वहाँ पर दायित्व दिया जाता है, और अगर उसको लगता है कि हमको एक जनप्रतिनिधि के रूप में इसको आगे बढ़ाना है तो उसको वहाँ पर मौका दिया जाता है। लेकिन ये बदलाव की ज़रूरत क्यों महसूस हुई पार्टी को? राकेश सिंह अच्छा कर रहे थे। नहीं, निश्चित रूप से वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, अच्छा काम कर रहे थे और अभी भी उनको दायित्व दिया गया है, एक बड़ा दायित्व है उनके पास, प्रदेश सरकार में वो मंत्री हैं, तो उनका काम और आगे बढ़ेगा, उनका काम आगे बढ़ेगा। लेकिन आपका काम कैसे आगे बढ़ाने वाले, क्या तैयारी कर रखी है? क्योंकि जबलपुर संस्कारधानी और ऐतिहासिक शहर है, जबलपुर के जब हम बात करते हैं तो कई विभूतियाँ जबलपुर ने दी है, और जबलपुर के बात करते हैं तो जबलपुर उम्मीद ये की जाती है कि राजधानी होना चाहिए था। मुझे लगता है कि जबलपुर के लोगों को अब भी उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात है। निश्चित रूप से ये दंश है, क्योंकि जैसा कहा जाता और ऐसा था भी कि पूर्व में जबलपुर मध्य प्रदेश की राजधानी बन रहा था और बनते बनते रह गया, तो निश्चित रूप से उसकी एक वो एक दंश जबलपुर के जनता में है। लेकिन ठीक है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब जबलपुर को विकास की नई रफ्तार मिली है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी, केंद्र में बनी, उसके बाद से जबलपुर निश्चित रूप से विकास के पथ पर आगे बढ़ा है, और अब मेरा प्रयास ये होगा कि इस गति को आगे बढ़ाना, इस लाइन को और आगे ले जाना, इस लाइन को आगे ले जाना। लेकिन जो आप लाइन ले जा रहे हैं उसमें जगत बहादुर अन्नू, जो चुनाव हुआ और उसके पहले अचानक से उन्होंने दल बदल कर लिया, उनका भी योगदान मानते हैं आप? वो तो अभी महापौर बने और निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के विचारों से प्रभावित होकर, अगर हमारे साथ कोई आ रहा है, हमारा परिवार बड़ा हो रहा है, तो निश्चित रूप से खुशी की बात है। और जगत बहादुर सिंह अन्नू जी अगर भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर, उसके विचार से प्रभावित होकर आए, तो उनका स्वागत किया हम। लेकिन अन्नू साहब जैसे और भी नेता आए हैं, आपने तो संगठन में काम किया हुआ है पहले से, आपका अनुभव भी बहुत है, तो संगठन में कैसे एडजस्ट किए जाएंगे इतने सारे लोग? क्योंकि मध्य प्रदेश ने कमाल तो किया है, 29 के 29 आपने कमल दे दिए, लेकिन 29 कमल देने के बाद संगठन में जब बारी आएगी काम करने की, जिम्मेदारी संभालने की, तो कैसे एडजस्ट किए जाएंगे? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि ये हमारा पार्टी नेतृत्व तय करता है कि किस कार्यकर्ता की क्या भूमिका कहाँ और कब होगी, तो जिसकी जहाँ जब आवश्यकता होगी तो भूमिका उसकी पार्टी नेतृत्व, हमारा संगठन तय करेगा। जबलपुर को लेकर क्या रोड मैप है, क्या तैयारी है? क्योंकि पहली बार आप चुनकर आए हैं, कुछ दिमाग में होगा, कुछ सपने होंगे कि जबलपुर ऐसा होना चाहिए, जबलपुर में ये होना चाहिए। देखिए, हम जबलपुर को लेकर जो मेरा एक केंद्र बिंदु है कि विकास, विकास और सिर्फ विकास, एक स्वच्छ जबलपुर हो, एक व्यवस्थित जबलपुर हो, एक विकसित जबलपुर हो। और पूर्व में कांग्रेस के शासन में जबलपुर के साथ जो न्याय नहीं हो पाया, अब जबलपुर के हितों की रक्षा करते हुए और उसको विकास के पथ पर आगे बढ़ाना,
महानगरी स्वरूप ले रहा है। जैसा मैंने कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं, चाहे वो केंद्र में हो चाहे प्रदेश में, जबलपुर निश्चित रूप से एक महानगर का स्वरूप ले रहा है। अब उसमें हमको और कितना क्या करना है, क्योंकि देखिए, लेकिन आपने इसमें कहा, मैं बीच में रोक रहा हूँ आपका, आपने कहा कि जबलपुर को व्यवस्थित करना, सबसे बड़ी समस्या जबलपुर की यह है कि वो उतना व्यवस्थित नहीं है। सफाई की बात करें तो सफाई में भी उतनी एक सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि वहाँ का व्यापारी वर्ग हो या कोई भी वर्ग हो जबलपुर का, अभी बारिश के दिन आने वाले हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जल भराव की एक समस्या होती है। ये बड़ी बड़े मुद्दे हैं, बड़ी समस्याएँ, लोगों की दिक्कतें होती हैं। देखिए, उसका कारण है, जब जनसंख्या का दबाव बढ़ता है तो ये सारी चीज़ें फिर हमको नए सिरे से व्यवस्थित करनी होती है। इसलिए मैंने इस शब्द का प्रयोग किया कि एक व्यवस्थित और सुंदर स्वच्छ। तो ये सारी चीज़ें देखिए, ये तो हमेशा होंगी, हम कितना भी उसको एक बार स्वच्छ कर दें, एक बार व्यवस्थित कर दें, उसके बाद हम सोचें कि अब हमको ये काम करने की आवश्यकता नहीं, तो ऐसा तो होता नहीं। ये तो समय के साथ चलेगा, उस चीज़ को हमको लगातार करते रहना पड़ेगा। मैं उसी बात पर आ रहा था कि विकास से भारतीय जनता पार्टी कभी संतुष्ट नहीं होती। हमको लगता है इससे ज़्यादा और हम क्या कर सकते हैं, हमारी विकास के प्रति भूख हमेशा बनी रहती है कि हमको, हम जितना भी करते हैं उसके बाद हम उसके आगे क्या कर सकते हैं, इससे बेहतर क्या कर सकते हैं। तो इस भाव के साथ, इस संकल्प के साथ हम लोग काम करेंगे, इस संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। मेट्रो लेकर आ रहे हैं, तैयारी है मेट्रो की, क्योंकि इंदौर भोपाल फिर जबलपुर की बात हो रही थी मेट्रो की। ज़रूर हर दिशा में प्रयास किए जाएंगे, और उसका क्या कैसे काम होगा वो समय के साथ सरकार के साथ बैठ के हर चीज़ को तय करने का। मैंने कहा ना कि जबलपुर को महानगरी स्वरूप देने के लिए हमको जो कुछ भी करना पड़ेगा, हम उसके लिए पूरे सार्थक प्रयास करेंगे। महाकौशल और विंध्य के आसपास के ज़िलों की अगर बात की जाए तो जबलपुर जो है वो सेंटर पॉइंट कहा जाता है। आसपास के ज़िलों की डिपेंडेंसी वहाँ पर जबलपुर पर ही है, लेकिन वहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं को अगर हम देखते हैं तो एक महानगर है इंदौर, उससे कंपैरिजन अगर किया जाए तो जबलपुर बहुत पीछे नज़र आता है। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि पिछले सालों, कुछ सालों में जबलपुर के मेडिकल कॉलेज में, आप ये मान के चलिए कि हम लोगों के पास सबसे ज़्यादा अगर लोगों के फ़ोन आते हैं तो वो इस बात के लिए आते हैं कि हमको मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलवा दीजिए, हमको वहाँ पर इलाज कराना है। एक ये बहुत बड़ा अंतर, जो एक समय में लोग सरकारी अस्पतालों से दूर भागते थे, आज इसके विपरीत। और मैं तो चाहूँगा कि एक बार आप वहाँ आइए और उसको देखिए, इस चीज़ को जो मैं कह रहा हूँ। लेकिन वही आप जो कह रहे हैं कि दाखिला दिला दीजिए, तो समस्या तो कहीं ना कहीं, समस्या नहीं, देखिए मैंने आपसे फिर वही बात कर रहा हूँ, चीज़ संसाधन हमारे पास जो है, अब जनसंख्या का दबाव जब इतना होता है, देखिए हर व्यक्ति को इलाज की ज़रूरत है, बहुत वो स्वाभाविक चीज़ है कि आदमी का स्वास्थ्य खराब होता है, तो जब अच्छा इलाज जहाँ मिल रहा है तो निश्चित रूप से हमको वहाँ पर, जब वो हमेशा वहाँ पर संख्या ज़्यादा होती है तो लोग ये हम लोगों से अपेक्षा करते हैं, हम लोग यानी किसी भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता होगा तो उसके माध्यम से वो चाहते हैं कि हमको यहाँ पर जल्दी से जल्दी यहाँ पर एडमिशन मिल जाए, हमारा इलाज हो जाए, इस भाव से मेरा एक। एजुकेशन की बात कर लेते हैं, एजुकेशन में जबलपुर के डुमना को एजुकेशन हब बनाने की बात भी कही गई, लेकिन दूसरी तरफ जबलपुर की एजुकेशन की अगर बात की जाए तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जो है वो हमेशा चर्चा में बना रहता है, और कई बार अच्छे कारणों से चर्चा में नहीं बना रहता है। अभी हाल ही की बात है, 18 मई को नतीजा आया बीकॉम का और किसी और सब्जेक्ट का आया, शून्य नंबर आया, और छात्र वहाँ पर प्रदर्शन करते रहते हैं, वहाँ एक वो बहुत बड़ी समस्या है। आप मानते हैं उसको एक बड़ी समस्या? देखिए ये चीज़ें हैं जो, अब इसके विषय में तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन रही बात प्रदर्शन की, तो ये देखिए छात्र राजनीति इसी के लिए होती है, यहाँ से भी जबलपुर में ज़्यादा भी होती है। जबलपुर शुरू से केंद्र रहा है, शिक्षा का एक बड़ा केंद्र रहा है, तो वहाँ से भी हमारी एक लीडरशिप निकल कर आती है, तो प्रदर्शन करना, अपनी बात को रखना, लोकतांत्रिक तरीके से रखना, एक ये सामान्य चीज़ें हैं, इसमें कोई विशेष हम मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। जबलपुर की एजुकेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो अभी हाल ही में जबलपुर में एक प्रशासन ने नज़ीर पेश की, नज़ीर ऐसी पेश की कि निजी स्कूल जो हैं उनके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की, आप कैसे देखते हैं इसको? निश्चित रूप से वहाँ के हमारे कलेक्टर साहब ने इस कार्रवाई को किया और इसको सभी ने सराहा है, अगर कहीं पर कोई अच्छा काम हो रहा है तो उसकी सराहना की जानी चाहिए। बाकी ज़िले भी इससे प्रेरणा ले रहे हैं, आप इसको मानते हैं ठीक है, ये ऐसी कार्रवाई लगातार होनी चाहिए आपको लगता है? देखिए अगर बाकी के ज़िले इससे प्रेरणा ले रहे हैं मतलब ये चीज़ कहीं ना कहीं ठीक होगी, और निश्चित रूप से जो भी कदम अगर उचित है तो स्वागत योग्य है और सराहनीय है। मध्य प्रदेश ने 29 के 29 कमल सौंप दिए, बार बार
ये लगातार बातें होती रही कि हम बड़ी जीत दर्ज करेंगे, और वो एक प्रकार से रिकॉर्ड बनाया बीजेपी ने, इससे पहले ऐसा हुआ नहीं कभी। लेकिन देश में तस्वीर कुछ और बनी, कैसे देख रहे हैं इसको, क्यों, क्या कारण रहा, क्या लगता है? देखिए, ये तो अभी नतीजे आए हैं और इस पर नेतृत्व हमारा बैठ के समीक्षा करेगा, और समीक्षा करने के बाद ही इस पर कोई बात बोली जा सकती है। जबलपुर में और कौन कौन सी समस्या आप देखते हैं जिसको तुरंत दूर करने की ज़रूरत है, त्वरित उसके ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत है? देखिए, समस्याएं तो ऐसा है कि हमारे सार्वजनिक जीवन में या उसमें देखें तो कई प्रकार की समस्याएं होती हैं, और समय समय पर जो भी समस्या आती है जिसमें हमको लगता है कि इस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए तो उस पर होती भी आई, और आने वाली समस्या अगर कोई ऐसी होंगी तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। अभी हाल ही में जबलपुर में नो फ्लाइंग डे की चर्चा रही, बड़ा प्रदर्शन हुआ, मेरे ख्याल से आपको याद होगी, कैसे देखते हैं? क्योंकि एक बड़ी समस्या है, एयर कनेक्टिविटी की बातें होती रहती हैं लेकिन एयर कनेक्टिविटी वैसी नहीं है, बड़े शहरों से जो कनेक्टिविटी होनी चाहिए वैसी कनेक्टिविटी अब नहीं रह गई, ऐसा आरोप लगता है। देखिए, अभी आप जिस उसकी बात कर रहे हैं नो फ्लाइंग, उस दिन आपको देखना था कि वहाँ से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई, वहाँ से बराबर फ्लाइज गए, सारी चीज़ें वो भी आपको मीडिया के माध्यम से देखने मिली होंगी। रही बात फ्लाइट की, तो ये होता है कई बार, ये मानता हूँ कि कई फ्लाइट्स बंद हुई, उसके कुछ कारण हो सकते हैं, टेक्निकल कारण हो सकते हैं, निजी कंपनीज हैं उनकी अपने कुछ, लेकिन उसके बाद भी हमने उसमें प्रयास किए, 1 जुलाई से कुछ फ्लाइट्स चालू हो रही हैं, और उसके बाद हम अभी पूरे आशा और विश्वास के साथ हम ये कहते हैं कि आने वाले समय में और भी फ्लाइट्स चालू होंगी, जबलपुर के हितों की पूरी रक्षा की जाएगी। जबलपुर के हितों की पूरी रक्षा की जाएगी, संस्कारधानी की कैसे रक्षा की जाएगी, जो टैग है संस्कारधानी का, जो तमगा है वो कैसे बनाए रखेंगे, उसके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? संस्कारधानी शुरू से ही संस्कारधानी है, और आप आइए, आपको संस्कारधानी का अनुभव वहाँ आने के बाद होगा। मुझे लगता है यहाँ दिल्ली में बैठ के, नोएडा में बैठ के नहीं, आप एक बार संस्कारधानी आइए, मैं आपके साथ पूरे संस्कारधानी में घूमूंगा, फिर आपसे बात करूंगा। बात तो करेंगे, और संस्कारधानी जब जाएंगे तो घूमेंगे भी, लेकिन घूमेंगे तो वहाँ पर पर्यटन की संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन कुछ कमी नज़र आती है, इस वजह से पर्यटक जो हैं वो कम पहुँचते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, लेकिन ये बात सही है कि पर्यटन की असीम संभावनाएँ जबलपुर में हैं, और धीरे धीरे शने शने हम उस संभावनाओं पर काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से उसमें आगे बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आशीष जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और हमने बात की, कई सारे मुद्दों पर बात की, जबलपुर के मुद्दों पर बात की, जबलपुर की जनता के सवाल जो हैं उनका जवाब जानने की भी हमने कोशिश की, उम्मीद है जनता को अपने जवाब मिले होंगे। नमस्कार।